चलो आज हमें करना है आधुनिक आवृत सारणी। आधुनिक आवृत सारणी से पहले जो हम अब तक कर चुके हैं इस चैप्टर के अंदर, पांचवें चैप्टर के अंदर, सबसे पहले तो हमने देखा कि हमें व्यवस्थित करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, फिर हमने क्या क्या व्यवस्थित किया और क्यों व्यवस्थित किया। तो सबसे पहले जो तत्वों को व्यवस्थित करने की, क्योंकि सबसे पहले तो हमारे पास थोड़े से तत्व थे 20 या 25, तो उनको इतनी ज़्यादा व्यवस्थित करने की हमें ज़रूरत नहीं थी। हम 15-20 को तो आसानी से याद भी रख सकते थे कि ये वाला तत्व ये है, ये वाला तत्व ऐसे ऐसे दूसरे तत्वों के साथ अभिक्रिया करते हैं, हमें इसकी इतनी ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत या फिर कहीं एक जगह स्पेसिफिक पे लिखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई, तत्व हमारे पास ज़्यादा होते गए, तब हमें ज़रूरत पड़ी कि हर एक तत्व का हमें गुण लिख लेना चाहिए कि ये तत्व इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो ये नया यौगिक बनाएगा, ये दिखने में ऐसा होता है, ठीक है, या ये ठोस होता है या ये गैस होता है, वगैरह वगैरह। क्लियर है ना। जब हमारे पास 25 या 30 तत्व हुए, तब डोबरनियर नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले इनको व्यवस्थित करने की कोशिश की थी। उसके बाद सेकंड पे आया था जिसने और अच्छे से इसको व्यवस्थित करने की कोशिश की थी, वो थे न्यूलैंड, जिन्होंने अष्टक सिद्धांत दिया था। न्यूलैंड ने पहली बार द्रव्यमान को आरोही क्रम में रखकर 56 तत्वों को व्यवस्थित किया था। इसके बाद 3-4 साल बाद ही, लगभग 1872 के आसपास, मेंडलीव नाम के साइंटिस्ट ने, उसने सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा काम किया था। जब उस टाइम पे जब उसने काम किया था, 63 तत्व उसे पता थे, उसने उसके रासायनिक गुण और भौतिक गुणों को अटैच करते हुए, किसके साथ, द्रव्यमान के साथ अटैच करके, और आरोही क्रम होता है, पहले छोटा उसके बाद उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, किस में, द्रव्यमान में, ठीक है ना। ऐसे उसने 56 तत्वों को व्यवस्थित किया, लेकिन 56 को तो पहले न्यूलैंड कर चुका था, हाँ 63 तत्वों को उसने ऐसे व्यवस्थित किया, लेकिन उसके अंदर भी कुछ कमियां आ गई। वो कमियां हम डिस्कस करते हैं पहले कि उस मेंडलीव के अंदर, जो मेंडलीव की आवृत सारणी थी, उसके अंदर क्या कमी आई। उन्हीं कमियों को सुधारने के लिए जो आधुनिक आवृत सारणी हम पढ़ेंगे वो आई, उन कमियों को पूरा करने के लिए, ठीक है। आधुनिक आवृत सारणी वो हम आज तक पढ़ रहे हैं, उसके अंदर अब इतनी ज़्यादा कोई कमी नहीं है। अगर कोई नया तत्व आविष्कार होता है ना, तो वो भी उसके अंदर आ सकता है, जो पहले से जगह वहाँ पे फिक्स है वहाँ पे, ठीक है। जो पहले से वहाँ तत्व विद्यमान है, जो प्रेजेंट है, उसकी जगह कोई नया तत्व नहीं आ सकता। क्लियर है ना, क्योंकि हमने एडजस्टमेंट ही इन तत्वों की ऐसे ही की है। जैसे कि आपके क्लास में मैं कहूँ कि बाहर से कोई नया बच्चा आएगा, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो पहले से बैठा है उसको खड़ा करके और बैठेगा, जहाँ खाली सीट है वहाँ बैठेगा, और अगर खाली नहीं है तो एक बेंच और लगाना पड़ेगा और उसके ऊपर बैठेगा, यही चीज़ है। ऐसा ही आवृत सारणी के अंदर, क्लियर है ना। तो सबसे पहली चीज़ जो मेंडलीव की आवृत सारणी के अंदर कमी थी वो ये कि वो हाइड्रोजन को सही जगह नहीं रख पाया। क्यों नहीं रख पाया, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, आखिरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसको एक ही इलेक्ट्रॉन तो चाहिए होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट है, ये कैसे उसको कन्फ्यूज़ कर रहा था, वो ऐसे कन्फ्यूज़ कर रहा था। आपने देखा होगा उसने ऐसे तत्व बनाए थे, RH, RH2, RH3, ये R कौन है, जो भी तत्व उसने लिया उसकी किसके साथ अभिक्रिया कराई, हाइड्रोजन के साथ। यानी उसने क्या किया, जितने भी उसके पास तत्व थे उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई और उसके गुणधर्म नोट किए। क्लियर है। अब जब उसने हाइड्रोजन को उठाया ना, तो हाइड्रोजन को जब उसने पहली वाली जो कोश थे, यानी कि जो सोडियम है या फिर पोटेशियम है, उनके साथ जब अभिक्रिया करवाई ना, तो वो वैसे अभिक्रिया कर रहा है जैसे सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। क्लियर है। लेकिन ऐसे ही वो जब उसको आखिरी वाले, जैसे कि क्लोरीन है या फिर ब्रोमीन है या फ्लोरीन है, इनके साथ भी बिल्कुल वैसे ही अभिक्रिया कर रहे जैसे ये, यानी कि उसके गुण हैं वो इसके साथ भी मैच हो रहे थे और इधर सोडियम पोटेशियम इनके साथ भी मैच हो रहे थे। तो ये क्यों मैच हो रहे थे, वो इसलिए क्योंकि सोडियम के आखिरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ले नहीं सकता। क्लियर है।
ऐसे ही पोटेशियम, उसके आखिरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसकी भी संयोजकता प्लस एक, इसकी भी संयोजकता प्लस एक, यानी दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। इसका मतलब इसके साथ सोडियम वो हाइड्रोजन है उसको भी हमें रखना चाहिए, क्योंकि वो भी तो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उसके भी आखिरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके लिए भी प्लस एक हो गया, यानी वो इनके साथ मैच हो गया, ठीक है। लेकिन एक और कंडीशन जो सिर्फ हाइड्रोजन के अंदर ही होती है वो क्या, अब इधर आ जाओ, क्लोरीन। क्लोरीन या फ्लोरीन, इनकी परमाणु संख्या 9, इसकी 17 होती है, इसके आखिरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, यानी इसकी संयोजकता -1, इसकी भी संयोजकता -1, सेम एज इट इज़ हाइड्रोजन के अंदर। हाइड्रोजन के आखिरी कोष के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, आ कितने सकते हैं, 2 आ सकते हैं, तो इसकी भी संयोजकता -1, क्लियर है। यहाँ पे हाइड्रोजन की संयोजकता हो गई +1, वहाँ पे हाइड्रोजन की संयोजकता हो गई -1, यानी वो कंफ्यूज हो गया कि हाइड्रोजन को इधर रखूँ कि उधर रखूँ, क्लियर है ना। इसका मतलब वो स्थान नहीं दे पाया हाइड्रोजन को। लेकिन द्रव्यमान के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन को कहाँ आना चाहिए, तो द्रव्यमान को सोडियम के पास इधर आना चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए, यूँ कहें, क्लियर है ना। ना तो वो द्रव्यमान के अकॉर्डिंग फिक्स कर पाया, ना संयोजकता के अकॉर्डिंग फिक्स कर पाया, यही उसकी पहली कमी हो गई कि वो हाइड्रोजन को अपनी आवर्त सारणी के अंदर स्थान नहीं दे पाया, ठीक है ना। अब इसके बाद दूसरी और सबसे मेन प्रॉब्लम जो थी, हाइड्रोजन वालों चलो कोई बात नहीं, एक ही तत्व की बात थी, उसको हम कहीं अलग रख लेंगे, क्लियर है, या उसको हम अलग से याद कर लेंगे, एक ही तत्व की तो बात थी। सेकेंड जो प्रॉब्लम थी वो ये कि उसने उसके बाद, तब तक ये पता नहीं था, उसके बाद ये पता चला कि एक ही तत्व के अलग अलग द्रव्यमान हो सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम अब जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं समस्थानिक के रूप में। समस्थानिक वो तत्वों के समूह होते हैं जिनके अंदर उन सभी तत्वों के द्रव्यमान हैं वो तो अलग अलग होते हैं, और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या है वो एक समान होती है, क्लियर है ना। यानी कि मेन जो प्रॉब्लम वो क्या है, जैसे कि मान लो मैं लिखूँ क्लोरीन ही, ठीक है ना, तो क्लोरीन है उसका द्रव्यमान 2 होते, एक क्लोरीन होता है जिसका द्रव्यमान होता है 35 और एक क्लोरीन होता है जिसका द्रव्यमान होता है 37। हाँ कुछ क्लोरीन, अब देखो क्लोरीन दोनों तत्व तो एक ही है लेकिन द्रव्यमान दोनों के अलग अलग है। अब उसने कैसे व्यवस्थित किया था, मेंडलीव ने, मेंडलीव ने कहा था कि जो द्रव्यमान में हल्का है वो पहले आएगा, जो द्रव्यमान में भारी हो बाद में आएगा, तो एक ही तत्व 2 बार कैसे आ सकता है, समझ में आ रही है ना ये चीज़। उसके अकॉर्डिंग तो ये क्लोरीन पहले आना चाहिए, द्रव्यमान 2 कैसे हो सकते हैं, वो इसीलिए क्योंकि इनके अंदर अभी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या है वो अलग अलग हो जाती, दोनों के अंदर प्रोटॉन की संख्या तो सेम है लेकिन न्यूट्रॉन है उनकी संख्या इसके अंदर ज़्यादा होती है इसके अंदर कम होती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा भारी हो जाता है ये हल्का हो जाता है। और ये हमने नहीं बनाया, हमने तो सिर्फ नेचर के अंदर देखा है, क्लियर है ना, और नेचर के अंदर प्रकृति के अंदर हमें ये वाला क्लोरीन भी मिलता है और ये वाला क्लोरीन भी मिलता है, दोनों है क्लोरीन ही, जबकि दोनों के गुण अलग अलग हैं द्रव्यमान के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो अब इन दोनों को कहाँ रखें, क्या दोनों को अलग अलग रखें या दोनों को एक ही जगह पे रखें, ये मेंडलीव ने नहीं बताया। यानी मेंडलीव ने हमें ये नहीं बताया कि अगर दो पदार्थों के, एक ही पदार्थ के द्रव्यमान अगर अलग अलग हो जाएं तो हम उसको उसकी आवर्त सारणी में कहाँ रखेंगे, क्लियर है ना। क्या हाँ, गुण इनके समान होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये भी क्लोरीन है ये भी क्लोरीन है, गुण इनके समान होते हैं, रासायनिक गुण भी भौतिक गुण भी, ठीक है। और रासायनिक गुण और भौतिक गुण समान हो गए तो हम इसको क्लोरीन ही कहेंगे, क्लियर है ना, ये तो है नहीं कि ऑक्सीजन कह देंगे, ठीक है ना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पहली चीज़ तो ये कि ये हाइड्रोजन को स्थान नहीं दे पाया, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि ये समस्थानिक यानी कि जिसका द्रव्यमान अलग है उन पदार्थों को भी अपनी मेंडलीव की आवर्त सारणी में वो स्थान नहीं दे पाया, क्लियर है। दो इम्पोर्टेंट इसकी कमियाँ समझ में आई आपको, पहली ये कि ये हाइड्रोजन को स्थान नहीं पाया और दूसरा समस्थानिकों को भी स्थान नहीं दे पाया, क्लियर है। तो ये पहले इसकी हम कमी ही लिख लेते हैं, किस एक तीसरा पॉइंट और है वो ये कि मेंडलीफ ने जब इन तत्वों को वर्गीकृत किया द्रव्यमान को देखकर, यानी पहले कम द्रव्यमान वाला, उसके बाद उससे ज़्यादा द्रव्यमान वाला, उससे बाद उससे ज़्यादा द्रव्यमान वाला, ठीक है। तो उसने जब इनको वर्गीकृत किया तो उनके बीच में
जैसे मान लो एक है द्रव्यमान, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं हाइड्रोजन, इसका द्रव्यमान लगभग 1.00 कुछ होता है, ठीक है। इसके बाद जो हीलियम आया ना, उसका द्रव्यमान होता है 4.06 ऐसा कुछ, ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम का इतना होता है, देखो हमें नहीं पता चला हाइड्रोजन इससे 3 ज़्यादा है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, उसका लगभग 7.09 होता है, 7 मान लेते हैं, ठीक है। पहले में देखो यहाँ से 3 ज़्यादा है, ये 4 हो गया, 4 से 3 ज़्यादा है, ठीक है। 7 से आगे नेक्स्ट आता है लिथियम के बाद बेरिलियम, इसका लगभग 11 होता है, ठीक, 9.0 होता है, यानी 10 मान लेते हैं, ठीक है। अब इससे आगे बेरिलियम से आगे बोरोन, इसका 10.8 यानी कि 11, ठीक है, यही होता है 10.8। अब देखो यहाँ पे हमें नहीं पता चल रहा, इससे आगे ये वाला आ गया, इससे आगे ये वाला, इससे आगे ये वाला, इससे आगे देखो ये एक का ही डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 से थोड़ा सा कम होता है, यहाँ पे भी 3 से थोड़ा सा कम होता है। यानी मेरा जो समझाने का मतलब था यहाँ पे मेन, यहाँ आगे शुरू शुरू में तो थोड़ा सा ठीक भी चलता है, लेकिन जो द्रव्यमान का फ़र्क है वो निश्चित नहीं है, कहीं पे ज़्यादा फर्क होता है, कहीं पे कम फर्क होता है, क्लियर है। यानी द्रव्यमान एक तत्व से जब दूसरे तत्व पे जाते हैं तो उनके बीच में द्रव्यमान का अंतर फिक्स नहीं है, और इससे हमें ये डाउट हो जाता है कि इनके बीच में अंतर ना होने की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके बीच में कोई और तत्व आ जाए, ठीक है ना। हमें मतलब ये पक्का पता नहीं है कि उन दोनों के बीच में और कोई तत्व नहीं आएगा, लेकिन जब हम आधुनिक आवृत सारणी करेंगे ना तो उसके अंदर ये फिक्स होता है कि इनके बीच में कोई और तत्व नहीं आएगा, क्लियर है। वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक की संख्या में बढ़ता है, ठीक है। अब एक से छोटा तो कुछ उसके अंदर जुड़ने वाला नहीं है, इसलिए हमारा फिक्स हो जाता है कि हाइड्रोजन के बाद हीलियम ही आएगा, बीच में कोई और तत्व कभी खोजा नहीं जा सकता जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं टूटेगा, क्लियर है ना, समझ आ रही है ये चीज़। ये एक और कमी हो गई इसकी कि द्रव्यमान है वो निश्चित अनुपात में या क्रम में नहीं बढ़ता, और इससे हमें अंदाज़ा नहीं होता कि उनके बीच में कोई और तत्व तो नहीं है, क्लियर है ना, ये डाउट बनी रहती है। ये भी उसकी एक कमी थी तीस। ये 3 कमियां हो गई मेंडलीफ की, उपलब्धि तो हमने लिख दी ना, मेंडलीफ की आवृत सारणी की क्या उपलब्धियां हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है, जब आधुनिक आवृत सारणी से अगर क्वेश्चन ना पूछा गया तो मेंडलीफ की कमी या उपलब्धि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अच्छा, एक और यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखना, जब ये क्वेश्चन है तो कान कैसे घुमा के पकड़ा जा सकता है वो भी देख लो। ये तीनों जो कमियां हैं, या तो सीधा डायरेक्ट ही क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि मेंडलीफ के आवृत वर्गीकरण की क्या कमियां हैं या क्या सीमाएं, तीनों पॉइंट लिख दोगे 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अगर एक एक नंबर में उसको कहीं पूछना हो तो कैसे पूछ सकता है, जैसे कि पहला, मेंडलीफ हाइड्रोजन को अपनी आवृत सारणी में जगह क्यों नहीं दे पाई, तो क्यों नहीं दे पाई, क्यों, क्योंकि उसके गुण सोडियम पोटेशियम के साथ भी मिलते थे और क्लोरीन ब्रोमीन के साथ भी मिलते थे। अब वहाँ पे वो कन्फ्यूज हो गया कि वो सोडियम पोटेशियम के साथ रखे या फिर क्लोरीन ब्रोमीन के साथ, इसलिए वो जगह नहीं दे पाए। आंसर दे दोगे ना इसका। सेकंड है, मेंडलीफ है वो समस्थानिकों को अपनी उसके अंदर जगह क्यों नहीं दे पाए, तो इसका कारण ये था कि उनके द्रव्यमान है वो अलग अलग होते हैं जबकि उनके रासायनिक गुण है वो समान होते हैं, ठीक है। और मेंडलीफ ने क्या किया था, मेंडलीफ ने जिनके रासायनिक गुण समान है उनको एक ही कॉलम के अंदर रखा था या एक ही समूह में रखा था, और जिनके द्रव्यमान अलग अलग उनको अलग अलग समूह में रखा था। तो यहाँ पे तो द्रव्यमान अलग अलग है और रासायनिक गुण सेम है, तो वहाँ पे उसको कन्फ्यूजन हो गई कि वो उनको एक ही समूह में रखे या अलग अलग में रखे, क्लियर है ना। नेक्स्ट से क्या क्वेश्चन बनेगा कि वो जो आरोही क्रम में जब उनको व्यवस्थित किया तो उनके द्रव्यमान है वो एक नियमित रूप से नहीं बढ़ते, ये मेंडलीफ की आवृत वर्गीकरण की कमी कैसे हो सकती है,
जब द्रव्यमान के आरोही क्रम में तत्वों को व्यवस्थित करते हैं तो ये नियमित रूप से उनका द्रव्यमान नहीं बढ़ता है। ये मेंडलीफ के आवर्त वर्गीकरण की कैसे कमी है? आंसर लिखा हुआ है आपके सामने। नहीं रहता कि उनके बीच में और कितने, हाँ, क्योंकि इससे हमें ये अनुमान नहीं रहता कि उनके बीच में और कितने तत्व खोजे जा सकते हैं या कितने तत्व आ सकते हैं। क्लियर है ना? तो ये भी अलग से तीन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं, ये भी आप ध्यान रखना इन तीनों पॉइंटों से। हमने मेंडलीफ की कमियां हैं वो अभी पढ़ी, ठीक है। उसके अंदर देखो तीन जो कमियां हमने जो पढ़ी, तीनों के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही थी वो द्रव्यमान को लेकर ही आ रही थी, ठीक है ना। हाइड्रोजन को हम नहीं व्यवस्थित कर पाए द्रव्यमान की वजह से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट समस्थानिकों को हम जगह नहीं दे पाए द्रव्यमान की वजह से। और जो तीसरी कमी थी वो भी यही थी कि उसके द्रव्यमान है वो नियमित रूप से नहीं बढ़ते हैं, ठीक है ना। यानी जो जड़ है रोग की वो द्रव्यमान ही, ठीक है। तो आधुनिक आवृत सारणी बनाते वक्त सबसे पहले उस द्रव्यमान को ही हटाया गया कि चलो हम द्रव्यमान के रूप में इनको व्यवस्थित नहीं करते हैं। फिर हमने एक और चीज़ ली और वो थी उनके अंदर परमाणु संख्या, ठीक है। और पहले द्रव्यमान को हटाया किस में? आधुनिक आवृत सारणी के अंदर। तो बेस अब द्रव्यमान को हटा के किसको बनाए? तो उसके लिए एक मोज़ले नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, हेनरी मोज़ले। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट में अभी नहीं जाने का हमें, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर से आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। वो तो बीएससी में जाके और ग्रेजुएशन में जाके आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा कि मोज़ले ने क्या बताया था, ठीक है। लेकिन उसने बताया क्या था? उसने ये बताया था कि जैसे मेंडलीफ ने कहा था कि हर एक तत्व है उसका गुण द्रव है वो उसके द्रव्यमान के साथ जुड़ा होता है, ठीक है ना। लेकिन मोज़ले ने यह कहा था नहीं, द्रव्यमान के साथ नहीं जुड़ा होता, वो उसकी परमाणु संख्या के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। ये परमाणु संख्या उस वक्त मोज़ले के वक्त एक नई चीज़ आई थी कि ये परमाणु संख्या क्या है। तो उसने फिर परमाणु संख्या को भी बताया। उसने ये बताया कि हर एक परमाणु है ना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और हर एक परमाणु के अंदर प्रोटॉन है वो एक विशिष्ट संख्या में एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, वो किसी और की होती ही नहीं है, ठीक है ना। अगर उसने बोल दिया कि किसी के अंदर प्रोटॉन है वो 6 है, किसी और में 6 प्रोटॉन नहीं होंगे। हाँ, हमने धक्के से अगर किसी के अंदर घुसा दिए वो अलग बात है, वरना प्रोटॉन 6 हैं तो वो सिर्फ उसी तत्व की पहचान रहेगी, किसी और तत्व के अंदर 6 प्रोटॉन नहीं होंगे, ठीक है। और उसका नाम होता है कार्बन, ठीक है ना। हो गया विशिष्ट गुण, जुड़ गया, यानी कि प्रोटॉन की संख्या, और इसी को उसने नाम दिया था द्रव्यमान संख्या, ठीक है ना। यानी कि किसी भी परमाणु के अंदर कितने प्रोटॉन उपस्थित है इसी को हम क्या कहते हैं, उसकी द्रव्यमान संख्या। क्लियर है। और मोज़ले ने यह कहा कि ये द्रव्यमान संख्या है ना, इसी के साथ इन तत्वों के गुण अटैच होते हैं, ना कि द्रव्यमान के साथ। द्रव्यमान अलग अलग भी हो सकते हैं लेकिन उनके गुण हैं वो समान हो सकते हैं, लेकिन उनके जो प्रोटॉनों की संख्या अगर बदल दी ना तो वो तत्व ही बदल जाएगा, पक्का बदल जाएगा, ठीक है। अगर किसी तरीके से मैंने इसके अंदर 7 प्रोटॉन घुसा दिए तो ये कार्बन नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, ये नाइट्रोजन बन जाएगा। अब यहां से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे तत्वों के अंदर हमारा सोना भी तो एक तत्व है, ठीक है। उसके अंदर उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है पता है? लगभग 79 होती है, आई थिंक 79 ही होती है क्या? ए यू उसका प्रतीक होता है, ठीक है। तो इसके परमाणु संख्या 79, यानी कि इसके अंदर प्रोटॉन कितने? 79। अब आप ये कह सकते हो कि सर हम कार्बन उठाते हैं उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, कहीं से और बाकी के बचे हुए 73 प्रोटॉन लेके और इसके अंदर घुसा देते हैं तो क्या कार्बन है? इलेक्ट्रॉन संख्या बदल जाएगी, इलेक्ट्रॉन भी हम ला के दे देंगे इसको, 73 प्रोटॉन इसको ला के देंगे और 73 इलेक्ट्रॉन ला के देंगे तो क्या कार्बन सोना बन जाएगा क्या? बन जाएगा, लेकिन ला के देना बहुत मुश्किल है। ला के देना मुश्किल इसलिए है क्योंकि ऐसा करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अपना जो यहाँ अगर धरती की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन या मुख्य ऊर्जा का स्रोत कौन है?
सूरज है जिसके अंदर से सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें मिलती है, इतना दूर है फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी हमें मिलती है ना। और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है ना, उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक दूसरे हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन यहाँ से लाके इसके अंदर जोड़ा जाता है, अपने आप जुड़ता है वो, ठीक है। और उससे बनता है नया तत्व हीलियम। क्यों? क्योंकि एक प्रोटॉन के अंदर दूसरा और जोड़ा, दो प्रोटॉन, दो प्रोटॉन से हीलियम बनेगा। लेकिन ऐसा जब बनता है तो इतनी ज़्यादा ऊर्जा निकलती है जो हमें इतनी दूर तक भी इतनी गर्मी लगती है, तो अगर हम उसके पास पहुंच जाएं तो क्या हाल होगा, है ना। और सिर्फ एक प्रोटॉन, सिर्फ एक प्रोटॉन के जाने से इतनी एनर्जी निकल रही है। ठीक है ना। और आगे जब आप बड़ी क्लासों में जाओगे प्लस टू के अंदर, तो इसी को आप पढ़ोगे न्यूक्लियर फ्यूजन नाम से, ठीक है ना। दो न्यूक्लियस आपस में मिलकर फ्यूज हो रहे हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन। क्लियर है? ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन मेरा जो यहाँ पे समझाने का मतलब था, मेन मकसद वो ये कि अगर किसी के अंदर प्रोटॉन की संख्या है तो वो तत्व स्पेसिफिक होगा, अगर उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या बदल गई मतलब तत्व भी बदल गया, ठीक है। ये हमने सबसे पहले बताया किसने, हेनरी मोज़ले ने। क्लियर है? तो अब हम कह सकते हैं, या हेनरी मोज़ले ने जो कहा वो ये कि किसी भी तत्व का जब हम, या तत्वों का, बहुत सारे तत्वों का जब आवृत वर्गीकरण करते हैं ना, तो हम उनको द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में नहीं लिखते, हम उनके द्रव्यमान, सॉरी परमाणु संख्या, परमाणु संख्या यानी कि प्रोटोनों की संख्या, उनके बढ़ते क्रम में लिखते हैं। क्या द्रव्यमान संख्या भी कह सकते हैं? नहीं, परमाणु संख्या कहेंगे, द्रव्यमान संख्या अलग होगी, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में उसको लिखते हैं। क्लियर है ये चीज़? और इसी को जैसे कि वहाँ पे बोला था कि रासायनिक और भौतिक गुणधर्म किसका आवर्त फलन होते हैं, द्रव्यमान संख्या का, मेंडलीफ के अंदर, यहाँ पे वो किसका आवर्त फलन होंगे, परमाणु संख्या का। यानी कि हम जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ाते जाएंगे उनके भौतिक रासायनिक गुण वो बदलते जाएंगे, और एक टाइम के बाद वो भौतिक और रासायनिक गुण रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, इसीलिए उसको बोलते हैं आवर्त फलन। क्लियर है? तो हम आधुनिक आवर्त सारणी क्या है उसको लिख लेते हैं। ये आधुनिक आवर्त सारणी, ये ऐसा पूछा जा सकता है किसने ये सुझाव दिया, तो हेनरी मोज़ले ने दिया। सेकंड और सबसे इम्पोर्टेंट वो ये कि आधुनिक आवर्त सारणी का सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांत है ये वाला, तत्वों के गुणधर्म उसकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। और मेंडलीफ के आवर्त सारणी का सिद्धांत पूछा जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। यही आधुनिक आवर्त सारणी है। अब इसके अंदर आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर जब वर्गीकरण किया तो क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा वो भी नोट कर लेते हैं। ये आधुनिक आवर्त सारणी जब भी पूछी जाए आपसे तो इतनी चीज़ें तो आपको ज़रूर पता होनी ही चाहिए। आधुनिक सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी कहाँ? सर यहीं से, सर 66 वाले कॉमा के ऊपर आधुनिक सारणी बनी, यहाँ आवर्त सारणी, हाँ आवर्त लगा लो, लगा लो। हेनरी मोज़ले ने 1913 में बताया कि तत्वों की परमाणु संख्या उनके वर्गीकरण का आधार है, यहीं से आधुनिक सारणी बनी या आधुनिक आवर्त सारणी बनी, जिसका सिद्धांत है तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक